अभिवादन आप सबका। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और क्षमा प्रार्थी हैं, जैसा कि सर ने कहा, सोनारिका की तरफ से क्षमा चाहते हैं और मेरी तरफ से भी कि आपके लिए ज़्यादा डांस नहीं कर पाया और मेरी भी कमर लचकी हुई है थोड़ी सी। तो हम लोग, आपने देखा, इतना बड़ा बड़ा सब हम करते हैं तो उसके छोटे छोटे से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप लोग जैसा जो पूछना चाहें। आशीष, हमने एवी देखी, बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया है, काफ़ी मेहनत गई है इस पर। कितना मुश्किल था आपके लिए ये किरदार करना और किस तरह के मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि आसान नहीं होता जब एक पीरियड आप फिल्म करें या इस तरह का टेलीविजन शो करें, तो कुछ अनुभव बताएंगे, क्या कुछ हुआ शूट के दौरान? अनुभव तो हमने भी बताया आपको, एक ही टांग टूटी, एक ही कमर टूटी है, तो मुश्किलात तो ऐसी हैं और मुश्किलात हर समय आती हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आता है जब उन मुश्किलों के बाद में ऐसा रिजल्ट मिलता है और ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो जर्नी बहुत कमाल की रही है, 1.5 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा करने का मौका मिला जहाँ पर सोच बहुत अच्छी थी, विज़न बहुत अच्छा था, और उसी के मद्देनज़र मैंने ये प्रोजेक्ट भी चुना, क्योंकि कहानी, किरदार, उनसे ज़्यादा ये कोशिश है, एक बेहतरीन पॉजिटिव कोशिश, एक नई सोच लाने की इस हमारा जो ये टीवी का माध्यम है इसमें, तो उस कोशिश ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मैं किसी भी कैपेसिटी में उसका हिस्सा बनना चाहता था। और फिर पाठक सर थे और उनके साथ एक पर्सनल इक्वेशन है पहले से, और जब उन्होंने इनिशियल स्टेज पे इस बारे में कहा तो बड़ा मज़ा आया इस सोच के साथ में चलने में। आशीष, आपने कई सीरियल्स किए हैं और कई कॉस्ट्यूम ड्रामा भी किए हैं, क्या फ़र्क पाते हैं जब आप किसी इस तरह के पीरियड ड्रामा या कॉस्ट्यूम ड्रामा करते हैं और आम सीरियल करते हैं, इनका फ़र्क अगर आप बता सकें कुछ? जी, मैं सिर्फ एक मेल एक्टर के मद्देनज़र आपको बता सकता हूँ कि इस तरह के शोज़ में एक मेल एक्टर को स्कोप होता है काफ़ी चीज़ें करने का, और क्योंकि हमारा जो माध्यम है वो महिला प्रधान माध्यम है, उसमें उतना आपको स्कोप नहीं होता है मेल एक्टर्स के लिए करने के लिए, तो बेसिक फ़र्क जो मुझे लगता है मेरे लिए वो ही यही है। आशीष जी, आपने 2011 में रोल किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या पृथ्वी वल्लभ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए? जी, अपने आप में सभी डिफ़िकल्ट होते हैं, कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उस समय मैं भी कुछ 25 साल का ही था, आज मैं 30 का हूँ, तो शायद कर सकता था वो अब नहीं कर सकता, और जो अभी कर सकता हूँ तब ना कर पा रहा हूँ। तो ये हर चीज़ की अपनी एक उधेड़बुन होती है, अपनी हर्डल होती है, अपनी कोशिश होती है, तो ये अब इस समय उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना मेरे लिए वो उस समय था। मतलब आपका कहना है कि उम्र आप पे हावी हो रही है अभी से ही? जी, उम्र तो सब पे बहुत हावी होती है, अपने अपने तरीके से। आशीष, आप राजस्थान से हो और इस सीरियल का हमने सुना है काफ़ी शूट वहाँ पे हुआ है, तो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? जी, बड़ा मज़ा आया हमें तो, राजस्थान में अपना खाना मिल गया, अपने लोग मिल गए, और हमने इन्हें भी बड़े मज़े कराए, इनको भी मैंने खूब खाना खिलाया, तो ऑब्वियसली आप अपनी जगह जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी चैलेंजिंग भी था जिस लोकेशन पर आपने शूट किया है, तो हाउ वाज? जी हाँ, हम बहुत गर्मी में वहाँ गए थे और जिस तरह के हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं, मैं तो काफ़ी रिलीव्ड हूँ ऐसे, पर बाकी लोगों को बड़ी तकलीफ थी पसीने में, गर्मी में। और हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो सब जगह आते हैं, क्योंकि दुर्गम स्थानों पर हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि पाठक सर हैं, आपको दिख रहा है, उन्होंने कह दिया यहाँ होना है तो वहीं होना है, फिर घोड़ा जाए ना जाए ले जाना पड़ता है, तो तकलीफ वही है, लेकिन उसी का अपना मज़ा है।